हेलो दोस्तों, हाय, माय यूट्यूब चैनल बेबी ऑफिशियल 385 में आपका दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे प्लीज, और हमारे तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए दोस्तों, अभिषेक क्या लगा रहा है, ये देख सकते हैं। सबसे पहले तो अभिषेक से मिल लीजिए आप लोग, मेरा भतीजा। हाँ। ये हाय गुड मॉर्निंग बोलो सबको पहले। तो देखिए दोस्तों, ये क्या लगा रहा है, ये भोलेनाथ का है, जय भोलेनाथ की, देख सकते हैं भोलेनाथ का। और ये चम्मक जो होते हैं ना, उससे चिपकाया जा रहा है मैग्नेट से दोस्तों। और यहाँ भी मैग्नेट, यहाँ भी अलमारी में मैग्नेट, यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों कितने सारे लगा दिया है खेलने के लिए। और देख सकते हैं ये अपना मस्ती कर रहा है। अब क्या कर रहे हो आप, ये देखिए क्या सब हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप दोस्तों क्या हो रहा है। सो इसके नीचे हाथ घुसाया जा रहा है दोस्तों, इसके अंदर, और अपने करे हाथ का करा खोल के और नीचे फेंक दिया है। वो फंस रहा था इसमें, वो नहीं है, जगह नहीं है। और देखिए हाथ डाल रहा है, कहीं फंस गया हाथ तो मैग्नेटिस में से निकाल। कौन सा मैग्नेटिस में, कौन डाला है, कोई फिर कोई नहीं डाला है ना, होगा देखिए तो? नहीं है छोना जी, कहाँ से आएगा, इधर तो देखो, इधर तो देखो, बोलो। देखिए दोस्तों, हमारे भतीजा के लिए तो प्यार भरा एकदम से इसको आशीर्वाद दीजिएगा, और प्यारा से कमेंट तो जरूर करिएगा दोस्तों। ऐसे ही हमारे सौरभ जोशी जी बनाते हैं ब्लॉग पीयूष के साथ, ये दूसरा पीयूष तो हमारा यही है। और ये आया है घूमने को और चला जाएगा दोस्तों, 15-20 दिन के लिए आया है, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ वीडियो बनाने में दोस्तों। ये देख सकते हैं भोलेनाथ को चिपकाया जा रहा है उसमें। और दोस्तों, मैंने इस कमरे का बिल्कुल अच्छी तरह से सफाई सफाई कर रखी हूँ, बिल्कुल ही, आप लोग तो जानते ही हैं, जो कमरे में कोई रहता ही नहीं है कोई भी, तो बस ऐसे ही मैं बिस्तर कर रखी हूँ नीचे, जो कि बच्चे बच्चे मस्ती करते रहते हैं, ऊपर कोई रहता नहीं, सब नीचे ही रहते हैं, हम लोग सारे नीचे ही रहते हैं दोस्तों। तो इधर का फिनिशिंग कर रखे हैं लेके, और मुझे किचन का भी लगभग हो ही गया है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं मेरा किचन का सारा काम फिनिशिंग है दोस्तों, मैंने खाना वाना बना लिया हूँ, चूल्हे उल्ले जो जहाँ है सब कुछ साफ कर रखी हूँ दोस्तों। और मैंने झाड़ू वाड़ू जो होता है सब लगा रखी हूँ, मुझे पोछा लगाना है ऊपर, और कपड़े धोने बहुत सारे, और नीचे का तो सारा काम ही पड़ा हुआ है दोस्तों। और देख सकते हैं ये देखिए झाड़ू, अभी मैं अपने भतीजे से मांगी थी झाड़ू, तो ये इतने सारे झाड़ू का वो तो टूट गया है, फेंक फेंक के दिया था दोस्तों, इसीलिए अच्छा लग रहा है दोस्तों। और कपड़े का ढेर दिखाऊं आपको, ये देखिए कपड़े सीढ़ी पे हम डाल रखे हैं ऊपर से नीचे, तो देख सकते हैं आप कपड़े कितने सारे हैं ऊपर से नीचे तक है। कोई ना, अभी हम धो लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, धो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ये। और इधर देख सकते हैं दोस्तों, मैं छत पर से लाके ये फूल का गमला यहाँ पे डाल दी हूँ छोटा सा, जो कि मैं अपने हाथों से बना रखी हूँ। ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, जो कि मैं पहले जहाँ पे पिछले रूम में रहती थी किराए पर, वहाँ मैं सारे वीडियो बना के आप लोगों तक डाल रखी हूँ, सुंदर लगता है। ये कोको कोला के बोतल से काट के डिजाइन डाल के बना रखी हूँ, ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हैं। क्योंकि हम मंदिर में पूजा करते हैं ना दोस्तों, तो मंदिर में पूजा करते हैं, जो कि मैं भोलेनाथ को रोज जल चढ़ाती हूँ, तो वो जल मैं हर रोज चेंज करती हूँ, तो रोज जो है ना जल को हम उतारते हैं वहां से और दूसरा जल चढ़ाते हैं दोस्तों। तो मुझे दिक्कत होती है, बार बार जाना पड़ता है छत पे डालने के लिए, तो मैं इसलिए जो छत से गमला छोटा सा ले आई हूँ नीचे, जो कि मैं वो जल उतारूंगी, तो उस जल को उसमें ही डालूंगी। तो इस वजह से आज मैंने अपने लड़के से ऊपर से मंगवा ली हूँ, जो एक गमला ला दो नीचे, क्योंकि बार बार चढ़ना उतरना पैर में दर्द होते हैं दोस्तों, तो इस वजह से। तो मेरा भतीजा बोल रहा है कि बुआ जी देखो मैंने फ्रेम बना दिया है बहुत अच्छा से, बोला दिखाओ ना दिखाओ ना, तो चलिए दिखाते हैं एक बार जो कैसा फ्रेम बनाया है इसने भोले बाबा की तस्वीर पे दोस्तों। वाकई में ये फ्रेम जैसे ही लग रहे हैं दोस्तों, देख सकते हैं कितना अच्छा, ये छोटे छोटे मैग्नेट हैं, ये देख सकते हैं छोटे छोटे मैग्नेट है ये, जो कि लगा दिया है। और भी ये दिखा रहा है आपको, ये छोटे छोटे मैग्नेट हैं, जो कि पहले हमारे हस्बैंड जी कंपनी में काम करते वहाँ आता था, पता नहीं क्यों आता था, बहुत सुंदर डिजाइन के है दोस्तों, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए छोटे छोटे पीस में, और जो कि इसको गोल तरीके से लेके और देखिए फ्रेम बना दिया है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और इसके तो मस्ती चालू है, देख सकते हैं मस्ती चालू है हमारे दूसरे पीयूष के भाई अभिषेक जी का, है ना बाबू। ये चले जाएगा दोस्तों अब थोड़े दिन में, मेरा भाई ने फोन किया था जो मैं आऊंगा लेने, तो अब ये 2-4 दिन में ही चला जाएगा दोस्तों ये। तो दोस्तों आप लोगों से बात करते करते जो है ना, हम भिगो देते हैं थोड़ा कपड़े को उसमें सर्फ में, क्योंकि धोएंगे ना दोस्तों तो थोड़ा सा जो है ना, जब तक क्या करते हैं दोस्तों डाल देते हैं, डाल के फटाफट से जितने भी कपड़े हैं उसको हम डुबो देते हैं। तो ये देख सकते हैं सर्फ, ये हमारा पानी। हाँ जी दोस्तों, और जब तक हम दूसरा काम करेंगे तब तक जो है ना इसमें थोड़ा सा डाल देंगे तो मैल जो है ना वो कट। और ये देख सकते हैं इसको डाल देते हैं आराम से, जब तक क्या होगा
भीग जाएंगे। और भी मुझे बहुत सारे काम है दोस्तों, तो इसलिए जो है ना इसमें आराम से लाओ। तो वो फूफा जी का वो दे दो मुझे टी शर्ट, इसमें डाल देते हैं, कलर कहीं ना छूट जाए, किसी कपड़े का तो लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इसमें हम डुबा देते हैं। और ये बैग भी धोना है दोस्तों, ये अभिषेक का बैग है जो कि बोला है बुआ जी मेरे बैग भी धो दो। तो फिलहाल हम यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि कपड़े निकाल लेंगे, कपड़े निकालने के बाद जो है ना धोएंगे। हाथ जल रहा है तो दोस्तों ऊपर जा रहे हैं थोड़ा, और पन्नी में कचरा भरा हुआ है जो कि मैं छत से डाल दूंगी। और देखते हैं कोई होगा तो फिर वीडियो शूट नहीं होगा। ये मेरा भतीजा ले चलेगा, लेके चलो, देख सकते हैं आराम से। और छत की तरफ रुक जाओ। और दोस्तों मैं यहीं पे खड़ी हूँ और बहुत अच्छी हवा चल रही है छत के ऊपर, देख सकते हैं बहुत अच्छी। तो देखते हैं कोई कोई अगर होगा तो मैं उधर की तरफ नहीं जाऊंगी दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं सबसे छुप के वीडियो बनाती हूँ दोस्त। और ये देखिए दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ अपने छत पे जो कि देख ले सकते हैं, ये कुछ ऐसा नज़ारा है। और सॉरी दिख नहीं रहा है मुझे क्या दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। और ये देखिए ले रखा है पन्नी और हम इधर डालेंगे, ये देखिए गया पानी के अंदर। और ये देख सकते हैं बगल में कपड़े वगैरह सूख रहे हैं। और ये देखिए अब चलो आ जाओ, कुछ ऐसा नज़ारा है। देखिए बहुत ज़्यादा धूप हो रही है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा। और दोस्तों जो गमले लगे हैं उसको मैं दिखाती हूँ, और यहीं से मैं लेके गई थी गमले जो कि मैं बहुत सारे गमले लगा रखी हूँ। और देख सकते हैं बहुत तेज़ धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा ही तेज। सबसे पहले तो देखिए अभिषेक का भूत, अभिषेक का ये देखिए भूत बनाया था दोस्तों, देख सकते पेट टूटेगा उधर का बाबू, पेट टूटेगा वो वाला गिलोई का। ये देखिए दोस्तों इसको कितना अच्छा आता है बनाने। और ये जो है ना माल का वो है नग है जो कि नग को इसमें लपेट दिया था और बोला है बुआ जी कपड़ा पहना दिए हैं इसको, आज इसको खोल। और ये देखिए भूत, भूत है हट जाओ। ये देखिए दोस्तों ये हमारा पेर, ये देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों इतने सारे पेड़ लगा रखे हैं हमने, पौधे गमले सारे बहुत अच्छे लग रहे दोस्तों। और यही सब हमारा देख सकते हैं, यही सब हमने उसके कोको कोला लिमका के बोतल का हमने गमले बना रखे हैं छोटे छोटे जो कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखो, ये देखिए, ये देखो दिखा रही, ये देख सकते हैं। और इसी में से हमने एक गमला नीचे लेके गए हैं, देख सकते हैं जो कि मैं दिखाई हूँ आपको। और ये हमारा तुलसी माता का पेड़ है, तुलसी जी का पेड़ है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे होते नहीं सूख जाते हैं। मिर्ची का पेड़ भी निकल रहा है इसमें यार, टमाटर का मिर्ची का भी है सारे में, ये देखिए दोस्तों। और ये देख सकते हैं, और देखिए आयुष का भूत देख सकते हैं दोस्तों, भूत दिखाती है, देख सकते हैं दोस्तों। ये अभिषेक के सैतानी है, ये हमारे अभिषेक के सैतानी दोस्तों, ये देखिए ओ हाँ इतने अच्छे भूत, ये देखिए कितना अच्छा भूत बनाया है दोस्तों। उसमें लगाने के लिए बोला है बुआ जी मैं उसमें लगा दूंगा, बहुत अच्छा लगेगा ये, तब गिलहरी नहीं आएंगे पेड़ काटने के लिए दोस्तों। ये देख सकते हैं आप हमारे पेड़ वगैरह, ज्योमेट्री भी लाया है कलर करने के लिए जो कि भूत को कलर किया है ज्योमेट्री से और लगा रहा है ऊपर। देखिए दोस्तों डंडे में लगाए जा रहे, पेड़ अंदर कर दो टूट जाएगा, ये देखिए अब आ गया दोस्तों YouTube पे दूसरा पीयूष का ये भूत बनाया है, ये दूसरा पीयूष है ये, और इसने भूत बना दिया दोस्तों, देख सकते हैं कितना अच्छा से। अब देखिए डंडे खड़े कर रहे हैं, उस दिन भी बना के गया था, बोला कि बुआ जी ये लगा दूंगा तो गिलहरी नहीं आएंगी, और पेड़ को बढ़ने नहीं देते दोस्तों, सारे पेड़ को काट देते हैं, सारे एक एक पेड़ को। हम आ गए हैं नीचे, अब नीचे जा रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे काम मुझे है। और ये अपना पता नहीं क्या क्या डांस दिखाओ अपना, ये देखिए भूत को लेकर डांस हो रहा है दोस्तों, क्या बात है, ओहो देखिए 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 देख सकते हैं। और आप अब मस्ती करो, अब मैं जा रही हूँ नीचे, काम कहाँ आ जाओ जल्दी से, अभी मेरे को कपड़े उपड़े धोना है दोस्तों। और मेरा लड़का फोन मांग रहा है जो कि बहुत सारे ट्यूशन के काम करने हैं बच्चों को, कह रहे मम्मी फोन दो मुझे काम करना है दोस्तों, तो इसलिए क्योंकि पेपर चालू है दोस्तों, तो बच्चे का ऑनलाइन काम बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अब पूरा दिन ही काम करते रहते हैं दोस्तों, तो उसको अब जा रहे हैं फोन दे देते हैं क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे का पढ़ाई सबसे ज्यादा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों क्या हो रहा है, सो मेरे मंगलसूत्र साफ किया जा रहा है दोस्तों, देखिए मेरे मंगलसूत्र को साफ किया जा रहा है, बोला बुआ जी मैं साफ करके आपके मंगलसूत्र को नया बना दूंगा। तो देखिए हाथ में लेके, और ये रहे ये देखिए देखिए ब्रश और ये सर्फ डाल के और साफ किया जा रहा है, बोला मैं नया बना दूंगा बुआ जी, आ जाओ इधर बाय बाय बोल दो, तो बाय बाय दोस्तों ये जा रहा है अपना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा, हमारे चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों, तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, इसलिए क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है दोस्तों। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट, साथ और प्यार की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट मुझे कहीं से भी नहीं है। और एक प्यारा से कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे भतीजा के लिए, जो कि अब वो चला जाएगा दो चार दिन में दोस्तों। और जब उसके साथ वीडियो बनाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा फिर उसकी याद आती है, जिस सरोज उसी ऐसे बनाती है फिर उसके साथ वीडियो तो उनके साथ कुछ कुछ बातें करती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी पिछले वीडियो बनाए, जितने भी खुद मैं अकेले बना रखी हूँ, मेरे वीडियो में कोई आना रखा है, मेरा दोनों बेटा में से कोई बेटा नहीं आया है। तो मैं पहली बार अपने भतीजे के साथ वीडियो बना रही, तो मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तब तक के लिए चलो दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।